हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से मेरे होने वाले बेबी के हॉस्पिटल बैग की, कि मैंने हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया है और मैंने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मुझे जो चीज़ें ठीक लगी वो मैंने रखी हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी वहाँ तक। लाइक मैंने बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देख के मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद रखी हैं। अगर फिर भी मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि डिलीवरी से पहले पहले मैं वो चीज़ें और रख सकूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने देखिए इस तरह का एक बैग लिया है। ये थोड़े छोटे साइज़ का बैग है, इसमें मैंने सोचा कि बेबी के कपड़े वगैरह सब कुछ आ जाएगा इजीली। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं बड़ा बैग ले सकती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाना कि क्या क्या रखा है मैंने। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट से, क्या रखा है मैंने। सबसे पहले तो मैंने रखा है बेबी वाइप्स। वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेबी को क्लीन करना पड़ता है, या बाई चांस उसे सुपोटी कर दे तो क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं और मम्मी ही होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में, जो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी और सिर्फ मम्मी होंगे, तो उनको ही बार बार वॉश करना पड़ेगा। सो वाइप्स वैसे भी ज़रूरी है बेबी को क्लीन करने के लिए, और मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी कुछ भी हैंड वगैरह फेस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बेबी वाइप्स। सेकेंडली हमें चाहिए होंगे डाइपर्स। मैंने हगीज़ के न्यू बॉर्न साइज़ के जो पैंट स्टाइल डाइपर्स हैं वो ऑर्डर किए थे। मैंने ज़्यादा बड़ी पैकिंग ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा डाइपर्स नहीं पहनाए जाते। मेनली मुझे ये था कि हॉस्पिटल में बार बार बेबी के कपड़े वॉश करने से अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा पर्सन नहीं होंगे हेल्प करने के लिए, तो मम्मी को अकेले संभालना होगा। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में जितने दिन रहेंगे हम, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, हम डाइपर यूज़ कर लेंगे। सो ये XS साइज़ है, एक्स्ट्रा स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी के लिए। 24 की डाइपर्स की पैकिंग है। ये भी मैंने फर्स्ट प्राइस से ऑर्डर किया था। इसमें से मैंने अभी 8-9 ही डाइपर्स हैं जो खोल के रख लिए हैं। एंड उसके अलावा हमें मुझे चाहिए होगा स्वाडल के लिए, स्वाडल बेबी को लपेटने के लिए कपड़े, है ना। तो कुछ कपड़े हैं जो वैसे कुछ के काफ़ी सामान है जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेज दिया था। अभी लास्ट ईयर ही उनकी डिलीवरी हुई थी। चीकू का सामान था, तो उनका कुछ सामान था जो उन्होंने भेज दिया था। उसके अलावा कुछ कपड़े कुछ सामान मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जो 100% कॉटन मुस्लिम क्लोथ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लव लैब के ये मुस्लिम क्लोथ मैंने ऑर्डर किए थे। 3 की पैकिंग थी, अभी एक रखा हुआ है। मैंने ये 2 हॉस्पिटल के लिए रखे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हल्के हैं कपड़े। और इसके अलावा मैंने एक टावल और कैप वाला टावल ऑर्डर किया था। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो काफ़ी पतला है बट ये ज़्यादा सॉफ्ट है। ये डबल है इस टाइम, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है, ये विद कैप है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और कलर मैंने इसलिए ग्रीन ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे घर बेबी बॉय आने वाला है, बेबी गर्ल आने वाली है। सो मैंने एक कलर न्यूट्रल कपड़ा ऑर्डर किया है जो कि बेबी गर्ल और बॉय दोनों को ही सूट करेगा। सो ये लाइट ग्रीन कलर ऑर्डर किया था मैंने। एक ये रखा है, ये मैंने सोचा है कि जब फर्स्ट टाइम बेबी को रेडी करके लपेट के बाहर लेकर आएंगे तो इसमें लपेट के ला सकते हैं। और उसके अलावा ये जो मसलिन क्लोथ है ये बाद में भी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1-2 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल मैंने बताया कि दूर है, तो हम जल्दी से वापस नहीं आ पाएंगे। तो
ये कपड़े मैंने रखे हैं मुस्लिम क्लोथ ही बेबी को कवर करने के लिए, ये बाय चांस एक गीला हो जाता है दूसरा यूज़ हो जाएगा, तो इस तरह से दूसरा गीला हो जाता है तो तीसरा यूज़ हो जाएगा। और ये वाला है, ये भी दीदी ने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया था, तो ये वाला भी मैंने एक रखा है। इसका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा है बट ये भी प्योर कॉटन है, थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो इसको भी बेबी के नीचे बिछाने के लिए या बेबी को लपेटने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने इस तरह से हॉस्पिटल में 3 दिन के हिसाब के से रखे हैं, ये 3-4 कपड़े रख लिए हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और इतना सारा सामान वहाँ संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक ये लाइक घर पे होते हैं ऐसे कपड़े हमारे पास, ये कपड़ा ये रखा है बाई चांस बेबी को थोड़ा बहुत लपेटना है साफ करना है कुछ है तो उस लिए उस पर्पज से ये भी कॉटन का कपड़ा है। सो बेसिकली मैंने ये 4-5 कपड़े हैं जो रख लिए हैं। अभी बारी आती है बेबी के नीचे क्या बिछाएंगे जब बेबी को लेटाएंगे या सुलाएंगे। सो उसके लिए मैंने 2 ड्राई शीट्स रखी हैं, एक दीदी ने भेज दी थी एक मैंने मंगवा ली थी, तो ये ग्रे कलर वाली मैंने मंगवाई थी, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाई है, और ये दीदी ने मंगवाई थी ये भी मे बी उन्होंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाई है। और सेम ऐसी ही 2 शीट्स मैंने मेरी सिस्टर के बेबी के लिए अमेजोन से मंगवाई थी, वहाँ से भी बहुत अच्छी आई थी। तो ये ड्राई शीट्स हैं 2, तो ये 2 ड्राई शीट्स रखी हैं मैंने। इसके अलावा अब हम देसी लोग हैं है ना, तो हमारे पास गुदड़ी नहीं होगी तो और क्या होगा, 2 गुदड़ी वैसे है बट मैंने एक ही रखी है ये वाइट कलर वाली, ये थोड़ी ठीक लगती है हॉस्पिटल में, एक थोड़ी डार्क कलर में है वो मैंने नहीं रखी है। वैसे गुदड़ीज जो हैं ये कपड़े की बनी होती है, इसके अंदर भी कपड़ा ही स्टफ़ किया होता है मतलब भरा होता है, और ये बेबी के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें कॉटन नहीं होती, कॉटन डालेंगे तो वो गर्म ज़्यादा गर्म फील होती है, बट क्योंकि डिलीवरी वैसे ही गर्मी में होनी है, दीदी की डिलीवरी भी गर्मी में हुई थी और मेरी भी गर्मी में ही होने वाली है, तो इस तरह की गुदड़ी एक मैंने रख ली है, दूसरी नहीं रखी है। वैसे भीग जाएगी ना तो हॉस्पिटल में तो सुखाने की प्रॉब्लम रहेगी, इसीलिए मैंने ड्राई शीट्स भी रखी हैं और जो वो कपड़े हैं एक्स्ट्रा, 1-2 वो कपड़े एक्स्ट्रा रखे हैं। सो इस तरह की गुदड़ीज वैसे काफ़ी काम आती हैं, घर पे तो बहुत ही काम आती हैं क्योंकि घर पे बार बार हम शीट्स वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो बच्चे के एरिए के लिए गुदड़ी 2-4 होनी ही चाहिए हमारे पास, एक गीली हो जाए तो उसको सुखा दो तो दूसरी यूज़ कर लो। तो अब बारी आती है बेबी के नैपीस की, वैसे तो डाइपर्स भी रखे हैं बट डाइपर्स के अलावा मैंने ये बहुत सारे जो हैंडमेड नैपीज होती हैं वो रखी हैं, ये हाथ से बनाए हुए नैपीज है और ये मम्मी ने ही बनाए थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हुए हैं, मैं एक दिखाती हूँ, हालांकि ये वॉश करके रखे हैं सारे, तो मैंने सोचा था कि मैं प्रेस करूँगी इनको बट उतना टाइम ही नहीं लग पा रहा है प्रेस करने का, और इतने छोटे छोटे कपड़े हैं मैं सोच रही हूँ प्रेस करने लगूँगी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे आजकल ऑनलाइन मिलते हैं बिल्कुल वैसा डिज़ाइन बनाया था उन्होंने, हालांकि मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े बड़े होंगे न्यूबॉर्न के लिए, तो ये इस तरह से है, इस तरह से बंद जाएगा ये इसके अंदर जाएगी और ये भी इसके अंदर से जाके ऐसे बांध लेंगे, तो इनको लंगोट भी बोलते हैं और क्या पोतड़े बोलते हैं नैपीज भी बोलते हैं। तो ये रखे हैं मैंने, काफ़ी सारे रख लिए हैं कि यूज़ कर पाएंगे तो ठीक है, अगर डायपर यूज़ करेंगे तो ठीक है, तो ये इस तरह से जो घर पे कॉटन के बचे हुए कपड़े थे ये उनसे बनाए हुए हैं, सूट्स वगैरह मम्मी अपने घर पे सिल लेते थे तो उनमें से जो भी कपड़े बचते थे उन्होंने उन सभी कपड़ों के ये नैपीज बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे हैं नैपीज जो मैंने रखे हैं मम्मी के हाथ से बने हुए, और इसी के साथ नैपीज हैं। अभी ये मैं देखूंगी कि बेबी को आएंगे या नहीं आएंगे, ये कुछ ऑनलाइन मंगवाए हुए नैपीज हैं
ये बेबी हग के नैपीज हैं, फर्स्ट क्राई से ही मंगवाए हुए हैं, तो ये भी देखिए इसी उसी स्टाइल के हैं ये जो अभी मैंने दिखाए हाथ से बने हुए। बट आई थिंक ये बड़े रहेंगे थोड़े, तो ये घर पे आने के बाद यूज़ हो जाएंगे। बाकी बेबी का वेट कितना होगा ये मुझे पता नहीं है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। फिर भी मैं सोच रही हूँ दो चार ये वाले भी रख लेती हूँ। तो इस तरह से इसमें काफ़ी कलर्स हैं, ये देखिए स्काई ब्लू है थोड़ा ऑरेंज येलो पिंक, बट वैसे बेसिकली वाइट है ये नेपीज। और अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो है बेबी के कपड़े। बेबी को कपड़ों के बिना कैसे रख सकते हैं। मैंने काफ़ी, वैसे मम्मी ने बोला था 5-6 कपड़े मतलब रख लेने के लिए मुझे 5-6 पेयर, तो मैंने ये देखिए इस तरह से ये इतने कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेबी की फर्स्ट ड्रेस है। मैं सोच रही हूँ कि जब बेबी को बाहर लाएंगे लाइक डिलीवरी के जस्ट बाद, तो मैं ये वाली ड्रेस दूंगी लाने के लिए, पहनाने के लिए, अगर बेबी को फिट आ जाएगी तो। आई डोंट नो बेबी इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, ये न्यू बॉर्न साइज है, रोमपर स्टाइल में है ये। बेबी को सबसे पहला कपड़ा है जो हमारे नया नहीं डालते हैं, पुराना डालते हैं, तो ये चीकू का है। चीकू मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ का बेबी है जो चीकू चीकू का है ये। तो दीदी ये सारे कपड़े बेसिकली चीकू के ही हैं जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हैं। पिछले साल चीकू ने पहने थे, इस साल चीकू का भाई या बहन जो भी आएगी वो पहनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, तो एक ये एक सेट है। इसके साथ ही ये देखिए, इसके साथ ही एक कैप भी आती है, और ये मिटन्स बूटीज, जो बूट्स हैं वो अलग से नहीं है, वो रोमपर में ही अटैच है, तो इसलिए मिटन्स हैं हाथ के, और कैप है, और ये सेट है। तो इसके साथ एक ये वाला भी आ रहा है, और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटू सा। ये गर्मियों के हिसाब से है, तो देख लेंगे जो भी उसको उस टाइम पे आएगा, फिट आएगा, उस हिसाब से पहना देंगे। और दो सेट और हैं मेरे पास कैप और मिटन्स बूट्स के, तो एक ये है नॉड वाला कैप है, इसके साथ ही हमें मिटन्स हैं और बूट्स हैं, क्योंकि बेबी जब पैदा होता है ना उसके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, तो अपने नेल्स ना अपने लगा ले कहीं पे तो हम मुँह वहाँ पे मार लेते हैं ना बच्चे, उस पर्पज़ से मिटन्स पहनाने चाहिए। और वैसे भी बेबी के लिए तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहता है, चाहे गर्मी है, अभी हमारे लिए गर्मी है, बट बेबी के लिए तो उसके लिए उसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर ही चाहिए होता है, इसलिए उसके हाथ पैर कवर करके ही रखने चाहिए जब बेबी पैदा होता है, तब धीरे धीरे वो बाहर के एनवायरनमेंट में सेटल होता है। तो एक ये है येलो कलर में, बहुत ही प्यारा कलर है, इसके साथ भी मिटन्स हैं और बूट्स हैं। इन सब का स्टफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये हैं कुछ और कपड़े, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, तो एक ये वाला है, ये न्यू बॉर्न साइज ही है। इसके साथ ये एक निकर है, और इसी के साथ ही मैचिंग में ही मतलब दो का सेट था, एक ये वाला है। ये फ्रंट ओपन वाले हैं जो कि मम्मी कह रहे थे कि मतलब मेरे मदर इन लॉ कह रहे थे फ्रंट ओपन वाले ही लेके चलेंगे, क्योंकि पहनाने इजी रहते हैं, उनको भी आदत नहीं है इतने छोटे बच्चे को कपड़े पहनाने की, और मैं भी नहीं पहना पाऊंगी वहाँ पे, तो वो बोले थे कि गर्दन को झटका वटका आ जाएगा बेबी की अगर हम ऐसे ऊपर से डालने वाले कपड़े लेंगे तो। और ये दो पजामियाँ हैं इन केस मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, पता ही नहीं चलता कब एकदम ठंडा हो जाता है मौसम और कब एकदम गर्मी हो जाती है, तो ये दो पजामी हैं।
ज़्यादा नहीं ली हैं पजामे, मैंने दो ही ली हैं। और उसके अलावा ये कुछ और कपड़े हैं जो चीकू के ही हैं, मैंने नया कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। दो तीन सूट मैंने नए ऑर्डर मतलब मंगवाए थे, उनमें से एक ही रखा है, दो मैंने रिटर्न कर दिए हैं, वो ठीक नहीं आए थे और वो फ्रंट से ओपन होने वाले नहीं थे, तो ये भी फ्रंट से ओपन होने वाले नहीं हैं, बट फिर भी मैंने रख लिए हैं, अगर पहनाए गए तो मैं पहना लूँगी मैं या मम्मी दोनों में से कोई भी पहना पाए तो। इस तरह से मैंने एक दो तीन और चार, चार ये एक जैसे ही हैं जो अभी मैंने दिखाया, उसी में अलग अलग कलर्स हैं, लाइट कलर्स ही हैं। और ये भी फ्रंट ओपन होने वाला है, एक ये सूट रखा है, निक्कर सूट है, इनके साथ निक्कर्स हैं। और ये तो हो गए बेबी के कपड़े, और इनके साथ अभी मैंने बेबी का कोई भी सोप पाउडर वगैरह नहीं परचेज़ किया है। सो ये दो सैशेज हैं, एक बॉडी वॉश का और एक बॉडी लोशन का। ये तो मुझे सही बताऊँ तो डायपर्स के साथ, डायपर सॉरी लाइक मिल्क वाइप्स के साथ, जो बेबी वाइप्स हैं उनके साथ मुझे फ्री मिला था, तो मैंने बीच में ही रख लिया, यूज़ होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ जो पाउडर लोशन वगैरह है ये उसी टाइम पे भी ले सकते हैं, देख लेंगे जिस तरह से सेट बैठेगा। और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक कटोरी और चम्मच। कटोरी और चम्मच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद मतलब मिल्क जो मदर का मिल्क होता है वो नहीं आता है, तो समटाइम्स नहीं, वैसे डॉक्टर प्रेफर करते हैं जो उस टाइम पे फॉर्मूला मिल्क देने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक कटोरी और चम्मच भी ज़रूरी है। बाकी का सामान है जो वो मैं अपने बैग में रखूँगी, बेबी के लिए सिर्फ हमें इतना ही आई थिंक चाहिए था। अगर इसके अलावा कुछ चाहिए होगा या ज़्यादा ज़रूरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, फिर उसी हिसाब से मैं और भी चीज़ें ऐड कर लूँगी। हाँ, अभी बेबी का मैंने बताया कि सोप लोशन पाउडर ये सब मैंने नहीं ख़रीदा है, ये मैं सोच रही हूँ कि वहीं हॉस्पिटल में ख़रीद लेंगे, या फिर अभी कुछ दिन है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल में 2 दिन 2-3 दिन ही रहना होता है, तो इतना सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी हॉस्पिटल में। एक बार तो फर्स्ट बात तो बेबी को वहीं करवा देते हैं, उसके अलावा देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो गाइज ये है बेबी का हॉस्पिटल बैग, ये सब चीज़ें मुझे मेरी नॉलेज में थी तो मैंने रख ली हैं, अगर इनके अलावा कुछ भी और हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हॉस्पिटल बैग मैंने अभी रेडी करके रख लिया है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, लाइक सडन ये अभी डॉक्टर ने बोला है कि कभी भी डिलीवरी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी होगी तो कर सकते हैं, पेन स्टार्ट हो गया तो फिर करनी ही है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप में से अगर किसी को भी किसी की डिलीवरी होने वाली है उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइज़।